नमस्कार। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ योगा लाइफ में। मैं उजाला कटारिया, आपकी योगा टीचर। आज हम एक टॉपिक पे अच्छी सी चर्चा करने वाले हैं और मैं उम्मीद करूँगी कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे, आपके किसी काम आ सके। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। तो आज हमने बात करनी है एक्यूप्रेशर के बारे में, ठीक है। पहले इसका अर्थ जान लेते हैं कि एक्यूप्रेशर होता क्या है। एक्यू मतलब एक बिंदु, पर्टिकुलर एक बिंदु, और प्रेशर मतलब दबाव। किसी एक पर्टिकुलर बिंदु पर, एरिया पर जब दबाव दिया जाता है, इसी को बोलते हैं एक्यूप्रेशर। हो सकता है बहुत से लोगों ने एक्यूप्रेशर, जो ये चिकित्सा पद्धति है, योग में बहुत सारी जो है चिकित्सा पद्धतियाँ अलग अलग हैं कि किस किस तरीके से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, तो उसमें से ये एक है एक्यूप्रेशर। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है, हम लोग समझते हैं कि ये सब चीज़ें बाहर के देशों से आई हुई हैं, पर नहीं, ये प्राचीन भारत, हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं उसमें इसका वर्णन मिलता है। योग हमारे ही देश की देन है, बाहर के लोगों ने इसे बाद में अपनाया और कुछ अलग अलग नाम देकर इसमें प्रसिद्ध हुए या जो भी था। तो ये जो भारत में एक्यूप्रेशर बहुत सदियों से, पुराना समय से चलता आ रहा है, मैं बताऊंगी किस तरह से। पहले लोगों को पता नहीं होता था कि वो एक्यूप्रेशर कर रहे हैं, बट साइंटिफिकली होता वही था। तो जैसे जैसे ये चिकित्सा पद्धति बढ़ती गई, चीन में विकसित हुई, फिर जापान में गई। जापान में इसे शियात्सु बोला जाता है। शी मतलब उंगली और आत्सु मतलब दबाव। उंगली से प्रेशर देना, शियात्सु एक्यूप्रेशर। तो अलग अलग नाम दे दिए है ना, अलग अलग देश ने अपनी भाषा के हिसाब से। तो क्या होता है, जैसे कि अभी मैंने बताया, तो अगर हमारे पुराने ग्रंथ देखे जाएं जिनमें इसे मर्म चिकित्सा भी बोला गया है, मर्म चिकित्सा, तो 33, देखो हो सकता है किसी ग्रंथ में ज़्यादा कम हो, पर जो बताए गए हैं, जो मेन बिंदु, जो पॉइंट्स हैं, वो 33 हैं। तो कहाँ कहाँ होते हैं? कुछ हाथ में होते हैं, पैरों में होते हैं, कानों में होते हैं, हमारे चेहरे पे, हमारी पीठ पे, हमारे पेट पे। तो अलग 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 ये बिंदु हैं। तो एक्यूप्रेशर आप उन्हीं से कराएं जिनको इसकी बहुत अच्छी नॉलेज है। मैं यही आपको एक सजेशन दूंगी। तो आज हम एक्यूप्रेशर करना नहीं सिखाऊंगी, मैं कुछ चीज़ें हैं जो बताना चाहती हूँ जो पुराने समय में होती थी, ठीक है। पुराने समय में क्या होता था, लोगों को आभूषण पहनने का बहुत शौक होता था, है ना। आजकल वो ट्रेंड कम हो गया है। पहले समय में लेडीज़ गले में काफ़ी हार पहन के रखती थी, हाथों में भी काफ़ी चूड़ियाँ, कंगन, बाजू बंद लगा के रखती थी, कानों में भी बहुत सारे छेद करवाए जाते थे। और पुराने समय में तो इन्हें संस्कार का नाम दिया गया था कि कान छिदवाना है या नाक छिदवाना है, एक संस्कार है। जैसे नामकरण संस्कार होता था, है ना, खाना खाना बच्चे को स्टार्ट करना है, वो एक संस्कार होता था। तो ये भी एक संस्कार में ही माना जाता था। आजकल ऐसा कुछ नहीं रहा। तो बाजू बंद पहनते हैं, कमर बंद पहनते हैं, पायल पहनना है, पैरों में बिछुआ पहनना है, हो सकता है आप कोई और नाम लेते हो इस चीज़ का। तो ये सब चीज़ें, तो देखो अब इनके पीछे कारण जानते हैं कि क्या साइंटिफिकली क्या इसका फ़ायदा मिलता होगा, है ना। सबसे पहले चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। अब माथे पे बिंदी लगाते थे पहले लेडीज़ लोग, या टीका लगाते थे, हिंदू धर्म में आज भी लगाते हैं, जो पूजा की जाती है तो यहाँ पे टीका लगाया जाता है। तो ये देखो, ये जो एरिया है जहाँ पे, मैंने भी अभी बिंदी लगा रखी है, तो ये जो एरिया है, हम तकरीबन हमारा जो सोचने समझने की जो क्षमता है ना, वो यहीं से है, यहीं से। तो एक तरह से यहाँ पे प्रेशर है, हल्का सा ही है चाहे। तो वो बिंदी, पहले समय में बड़ी बड़ी बिंदी भी लगाई जाती थी। तो अब देखो, पहले समय में बीमारियाँ भी कितनी कम होती थी। आजकल ढेरों बीमारियाँ हैं जिनके नाम पहले हमारे बुजुर्गों ने सुने भी नहीं। तो कारण यही चीज़ें हैं, क्योंकि हम सब कुछ छोड़ते चले आ रहे हैं। हम अपनी संस्कृति पीछे छोड़ आए हैं, काफ़ी कुछ पीछे छोड़ आए हैं, बीमारियों की तरफ, साइंस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने अभी बताया कि यहाँ पे हमारा जो सोचने समझे की क्षमता है वो यहीं से है।
जब यहाँ पे प्रेशर डलता है ना, तो हमारे दिमाग की जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो मास्टर बिट्स को बोला जाता है हर ग्लैंड का, उस पर इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये छोटा सा हुआ। अब कान में छेद करवाते थे, आजकल भी कराते हैं, लड़कियां लोग पहनती हैं, कई लड़के भी पहनते हैं। तो पहले पहले तो कितना ऊपर तक भी डालते थे, कई लोग इयररिंग्स डालते थे, तो बड़े बड़े भी डालते थे। तो कान छिदवाना, अब जैसे मैंने बोला कि कान में भी हमारे बिंदु होते हैं, ये जो रिफ्लेक्स पॉइंट होते हैं, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, तो कान छिदवाने का संबंध होता था हमारी याददाश्त से। तो आज भी हम जब वो कराते हैं ना, थपकी थेरेपी और मालिश, थपकी के साथ करना और ये सब थेरेपी कराते हैं, फिर सूखे हाथ से मालिश करते हैं, मैंने वीडियो डाल रखा है, तो कानों की भी कुछ यूं करके गोल गोल इस तरह घुमाते, तो कान खींचे भी जाते थे बच्चों के स्कूल में और घर में भी बड़ों से। तो याददाश्त शक्ति के पीछे ये कारण, मतलब इन सब चीज़ों का लॉजिक था कि याददाश्त बढ़ती है, अनिद्रा रोग जिसे रहता था, नींद की समस्या, तो कान छिदवाने से या कान पे वो एक्यूप्रेशर देने से ये समस्याएं कम होती हैं। नाक छिदवाया जाता था, गले में हार पहना जाता था या मंगलसूत्र पहनते थे, तो उसका किस पे इफेक्ट पड़ता था? थायराइड ग्लैंड पे। ये जो है हमारे थ्रोट एरिया से रिलेटेड हमारे बॉडी पार्ट्स पे असर पड़ता था, दबाव पड़ता था। बाजू बंद लगाना, ठीक है, कुछ लड़कियों को पीरियड्स रेगुलर नहीं आते हैं, तो इस एरिया पर अगर आप इस तरह से मालिश करते हैं हर रोज़, दिन में या दो बार या तीन बार सूखे हाथ से, इस एरिया का संबंध हमारे जिनाइटल एरिया से है, प्रजनन अंग जिसे बोला जाता है, तो उस पर इसका प्रभाव होता। तो चूड़ियाँ पहनते थे, बाजू बंद पहनते थे, तो उसका प्रभाव जाता था वहाँ पे, ये चीज़ होती है। और अंगूठी पहनना, हाथों में एक्यूप्रेशर कराते हैं ना, तो ढेरों अंगूठियाँ पहन के रखते थे लोग, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रेशर डाल के रखती थी, जिसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता था। यहाँ कमर बंद लगाना, पैरों में पायल पहनना, पायल पहनने का किससे संबंध है? साइटिका नर्व से। तो साइटिका नर्व, आजकल साइटिका पेन का इश्यू इतना बढ़ रहा है ना, क्योंकि आजकल तो पायल पहनते नहीं है हम, तो ऐसा नहीं है कि लड़के लोग भी पायल पहने तो भी है, ऐसा नहीं। तब कुछ और चीज़ें होती थी पहनने के लिए, पुराने समय में लड़कों के अलग आभूषण होते थे, लड़कियों के अलग आभूषण होते थे, सब लोग पहनते थे, तो लड़के लोग भी बाजू बंद पहनते थे पुराने समय में। तो इस तरह से पैरों में बिछुआ डालना, तो हाथों और पैरों की उंगलियां, नसें जो हैं हमारे पूरे शरीर पर प्रभाव डालती हैं, है ना। कहीं ना कहीं बोलते हैं कि बिछुआ पहनने से भी हमारा जो यूट्रस है उस पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, अभी भी बोलते हैं, मैंने सुना, अपने घर में सुनी है ये चीज़। तो एक्यूप्रेशर, देखो सब चीज़ें रिलेट कर दी ना हमने, पर आजकल हम जाते हैं अलग से कराते हैं, आजकल कुछ सुई टैप उपकरण होते हैं काफ़ी एक्यूप्रेशर करने वाले, अच्छी हैं ये चीज़ें। अगर किसी के पास ऐसा कोई सेंटर है, किसी के शहर में कोई जान पहचान में आप एक्यूप्रेशर करता है, तो बहुत सी समस्याएं हैं जो इससे ठीक की जा सकती हैं। तो बस मैंने यही बताना था कि अगर किसी के घर में ऐसे पहनने का रिवाज था या अभी भी है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे शरीर के लिए अच्छा था, अच्छा अभी भी है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं गुम होती जा रही हैं, गायब होती जा रही हैं, तो अपनी संस्कृति के साथ जुड़े रहिए, ठीक है। हम आधुनिक युग, नए युग की तरफ बढ़ रहे हैं, हम बाहर का कल्चर, वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं, तो हमारे देश का कल्चर भी है, उसे भी हम अपने साथ बनाए रखें। और एक्यूप्रेशर से इसलिए मैंने इन चीज़ों को रिलेट किया। तो आगे किसी वीडियो में फिर एक दिन इसके बारे में आगे थोड़ी चर्चा करेंगे, कुछ पॉइंट्स मैं बताने की कोशिश करूँगी कि कहाँ कहाँ कुछ पॉइंट्स हैं जो जर्नली आप घर पर भी अपना एक्यूप्रेशर कर सकते हो। तो अगर आज आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये कुछ बातें थी, अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर बताएं, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करके जाइएगा। YouTube, Instagram, Facebook पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपका धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।